मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना, प्रकृति की पूजा करने व उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नामों और रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज और अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह व उमंग से प्रारंभ हो चुका है, तो गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव अवतार भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आए हुए हैं। जगत पिता सूर्य से प्रदेशवासियों के शुभ व मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व पर सूर्य देव का उत्तरायण होना हर प्रकार के सुख और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए शुभ तिथि मानी गई है। आज से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होंगे। इस पवित्र पर्व पर प्रयागराज और गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अन्य तीर्थों जैसे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कछला घाट, मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ, काशी आदि तथा हर पवित्र नदी सरोवरों पर लाखों श्रद्धालु स्नान दान से जुड़कर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के पर्वों पर स्नान दान का अपना विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने सभी प्रकार के इंतजाम किए हैं। गोरखपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति दिन भर आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाएगी। मकर संक्रांति पर परंपरागत आयोजनों का भी शुभारंभ हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर में एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। यहां पर भी श्रद्धालु जन की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जगत पिता सूर्य संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं। उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर बनी रहे। विश्वास है कि सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक
और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन उत्तर भारत में मकर संक्रांति, यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में पंच तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है, तो गोरखपुर में श्यावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनुराशि से मकर राशि में प्रवेश यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर राशि वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं, आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में या अन्य तीर्थों में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कछला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महात्म है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालुजनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को
मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत पिता इस सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं, उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर हर एक श्रद्धालु पर बनी रहे और उत्साह और उमंग के साथ वे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी सबकी प्रति अपने मंगल में शुभकामनाएं।